आखिरी दिन हुई मनपा की आम सभा में जो सबसे चर्चित मुद्दा रहा वो स्टेशनरी घोटाला का था। स्टेशनरी घोटाले के मुद्दे पर चर्चा करते हुए पार्षदों ने बेहद ही आक्रामक रुख अख्तियार किया, साथ ही जल्द से जल्द इस मामले में जांच की जाए ऐसी मांग की। बड़े अरसे बाद मनपा की हुई आम सभा मनपा घोटाला और आवारा कुत्ते के नाम रही। आमतौर पर मनपा के टाउन हॉल में होने वाली आम सभा शुक्रवार को शहर के सुरेश भट्ट सभागृह में संपन्न हुई। मनपा में बीते कुछ दिनों से घोटाले की खबर सामने आ रही है। स्टेशनरी से शुरू हुआ ये सिलसिला प्रिंटर मशीन तक आ पहुंचा है। शुक्रवार को इन मुद्दों को लेकर मनपा की आम सभा गूंज उठी। सभी पार्षदों ने इस मामले की कड़ी जांच करने की मांग महापौर दयाशंकर तिवारी के सामने रखी। ये साबित करने की जिम्मेदारी नहीं थी, जो फैक्ट्स थे मैंने अभी पटल पे रखे हैं। एक HOD का साल भर से लॉगिन पासवर्ड नहीं होना, साल भर के बाद उसकी सिग्नेचर अक्टूबर महीने में उसमें ध्यान में आना, ये ध्यान में आने का विषय नहीं है। ये जब माननीय आभा पांडे जी ने विषय उठाया था तभी इनके उसके बाद इनके विषय में हुआ। और पहले फाइल बनती थी, पहले बिल बनता था, बाद में प्रोविजन होता था, ऐसी बातें कुछ ध्यान में आई और इस कारण ये प्रैक्टिस चल रही है ऐसा चिलकर साहब को मालूम था, इसलिए मैं इसमें फंसू ना, इसलिए उन्होंने साल भर अपना लॉगिन पासवर्ड नहीं बनाया जो अभी 17 दिसंबर को बनाया। दूसरा, चिलकर साहब की जो साइन है ओरिजिनल बिलों पर वो यदि सही है कि गलत है यह तपासना की जो संविधानिक यंत्रणा है, आज तक महानगर पालिका के प्रशासन ने एक पत्र भी नहीं लिखा। इसलिए मेरा आरोप है कि माननीय राम जोशी, माननीय चिलकर साहब, माननीय भातकुलकर, राठौड़, कैफो होगा, धामेच, जो जो आगे किसी एक का नाम नहीं लेना, मुझे किसी को नहीं बचाना, उन सभी को सख्ती के रजा पर भेजकर सभागृह की समिति और उसके साथ प्रशासनिक अधिकारी करके एडिशनल कमिश्नर मीणा और माननीय एक निवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से इसकी चौकशी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।